पद्मावती के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है और आपकी टीम को धमकी दी जा रही है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि 2 साल के बाद जो मेहनत हमने की है, जो लगन के साथ, दिल के साथ, सच्चाई के साथ जो हमने ये फिल्म बनाई है, जब लोग सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया है या गलत दिखाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। और हम चाहेंगे कि लोग फिल्म देखें पहले, और देखने के बाद अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो उसके बाद अगर किसी को लगा कि हमने कुछ गलत दिखाया है या किया है, तो हम अपनी गलती मानेंगे या हम उसको बदलेंगे, जो भी वो चाहते हैं। पर फिल्म के पहले इस तरह से रिएक्ट करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और जी, आप एक कलाकार हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार से कलाकारों को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए मूवीज़ बनाने के लिए? शायद मिल सकती है, पर शायद इस वक्त तो हम ठीक ही हैं, और देखेंगे आगे जाके क्या होगा। फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। अब तक जितना जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है, सब लोग संभाल ही रहे हैं, पर आगे जाके देखना पड़ेगा कि अब क्या होगा। और ये एक ऐतिहासिक या एक पीरियड फिल्म है आपकी, तो क्या आप इतिहास में दिलचस्पी रखती है? क्या आपने पढ़ा है इसके बारे में? इस सब्जेक्ट को लेकर स्पेसिफिकली हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं किसी फिल्म के अंदर में मैं काम करने जाती हूँ तो पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस फिल्म को लेकर मैंने काफ़ी पढ़ा है, और पिक्चर्स जो थे या रिसर्च जो हमने किया है संजय सर के साथ हमने किया है। पर उसके अलावा अगर हम जनरली इतिहास के बारे में बात करें तो हाँ, कभी हाँ कभी ना, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। और अभी आपकी इंडस्ट्री में 10 साल पूरे हुए हैं, तो किस प्रकार से आपको लगता है इंडस्ट्री में परिवर्तन हुआ है जब से आपने शुरू किया है? बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ हुआ है। जैसे जिस तरह से फिल्में मुझे ऑफ़र की जा रही हैं, जिस तरह के रोल्स लिखे जा रहे हैं औरतों के लिए, या पे डिस्पैरिटी जो है वो कम होते जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर, या प्रोफेशनलिज्म को अगर देखा जाए, इन सब चीज़ों में काफ़ी बदलाव देखा है मैंने। और भी काम बाकी है, पर फ़िलहाल तो अच्छी बात यह है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं।